channel Vibrant Varsha. Dosto, Navratri is one of the most important Hindu festival. Almost all over the world, Navratri celebrate karte hain. The best exercise during Navratri is Dandiya or Garba. Agar aap minimum half an hour Dandiya ya Garba khelte ho Navratri mein, to 500 to 600 calories aapki burn ho sakti. During this 9 days, Navratri ke 9 din, bahut sare log fast karte hain, yani ki upvas karte hain. Ye 9 din aapke body ke liye ek best detoxification program ho sakta hai. Isme religious belief bhi hai, to aapka mind bhi cleanse out hoga aur body ka detoxification ho jayega, jisse aapka weight loss hoga. To Navratri is a best detoxification for mind, body and you will feel great. So, how will we do Navratri fast healthy way? Here are the tips. Ladies, during fasting days, pura din kuch bhi nahi khati hai. Aur fir kya karti hai? Vrat chhodte vak, upas chhodte vak, pure din ka khana ek saath hi kha leti hai. Usse kya hota hai? Weight gain hone ke chances badh jate hain. To aap kya kare? Aap pure din 2 se 3 ghante ke baad thoda thoda kuch khate rahe. My second tip is stay hydrated. During this 9 days, you can drink a lot of water. You can take lemon water or juice of lemon. But if you prefer lemon juice, lemon juice then don't use sugar. What do you use? Jaggery. Or you can use honey. You can take buttermilk or watery fruits. Like you can take cucumber or watermelon. ये फ्रूट्स आप ज्यादा खाइए. ड्यूरिंग फास्टिंग आप कुछ भी नहीं खाते हो पूरा दिन, तो क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप डाउन होता है. इससे गिडीनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए आप पानी या 2 से 3 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ खाते रहना जरूरी होता है. ड्यूरिंग फास्टिंग अगर आपको कुछ भी स्वीट खाने का मन करे तो शुगर का इस्तेमाल ना करें. इंसटेड ऑफ शुगर, जागरी, हनी या आप डेट्स का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि खजूर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो भी बहुत कम. खाने में आप बानियन राइस यानी कि बगर का इस्तेमाल कर सकते हो. बगर के आटे से हम क्या-क्या बना सकते हैं, मैंने आपको बगर का उपमा भी बताया था. आप बगर का उपमा भी खा सकते हो. उसमें आप ओनियन टोमेटो इस्तेमाल मत कीजिए. आप बिना ओनियन टोमेटो के भी आप बगर का उपमा बना सकते हो. आप या तो उसके साथ कोकोनट चटनी ले सकते हो और राई जैसा उसे कुक कर सकते हो. बगर से आप डोसा बना सकते हो, आप इडली बना सकते हो. अमरंत यानी कि राजगीरा, राजगीरे के आटा से आप रोटी बना सकते हो, या राजगीरा आप एज अ पॉरिज करके भी खा सकते हो, लेकिन आप इसकी पूरीज वगैरह मत बनाइए. आप कुट्टू के आटे से भी रोटी बना सकते हो और ये रोटी आप वेजिटेबल के साथ ले सकते हो. वेजिटेबल्स में आप पंकिन, दूधी या पालक का इस्तेमाल करें. बहुत सारे लोग नवरात्रि में सॉल्ट नहीं खाते, तो वो क्या करें? पूरा दिन आप हाइड्रेटेड रहें, फ्रूट्स खाएं या आप फ्रूट सैलेड वगैरह खा सकते हैं. आपने मेरा फ्रूट रायता का रेसिपी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखें. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. मैंने कई बार मेरे जिम में देखा है लोग ड्यूरिंग फास्टिंग बताते हैं कि बहुत सारे पकवान बनाते हैं, लेकिन दोस्तों आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो पकवान बना के आपका वेट लॉस नहीं. अगर आपका स्वीट खाने का मन करे तो आप फ्रूट सैलेड खा लीजिए, या तो फिर आप पंपकिन खीर वगैरह बना सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आपके शुगर के इंटेक पे, तो ही वेट लॉस हो पाएगा. ड्यूरिंग ये 9 दिनों में आप क्या करोगे? अगर आपको भूख लगती है तो स्नैक्स आप पोटैटो वेफर्स या पोटैटो चूड़ा या ऐसा कोई भी आइटम मत खाइए जिससे कि वेट गेन होगा. फिर इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कीजिए, आप वॉलनट्स, नट्स या आप सिंगदाना वगैरह प्रेफर कर सकते हो. मिल्क में आप स्किम मिल्क का इस्तेमाल कीजिए. कर्ड में आप लो फैट कर्ड का इस्तेमाल कीजिए. हैप्पी नवरात्र. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए. सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. अगर आपको कोई भी सजेशंस या फीडबैक देने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए.